हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर और उसके सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड किया था और उनके नेचर्स को फाइंड आउट किया था। हमने वो 14 प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड किया था जिसको यूज़ करते हुए कोई भी मैनेजर अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो जो हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे मैनेजमेंट के, वो क्लासिक कॉन्सेप्ट के थे, थोड़े ओल्ड कॉन्सेप्ट के थे। सो हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग अगर वो 14 प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाए तो बिजनेस को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन टेलर जो ऑथर था, उसने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए थे कि अगर साइंटिफिक वे से हम अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहें तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। सो इस वीडियो में हम टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहले हम टेलर के बारे में जान लेते हैं कि टेलर कौन है, वो पर्सन क्या था, उसने ये ऑब्जर्वेशंस कैसे की। उसका पूरा नेम है F.W. Taylor। F.W. Taylor वॉज एन अमेरिकन हु ज्वाइंस मिडवेल स्टील वर्क्स एज अ मकैनिस्ट। सो F.W. Taylor एक अमेरिकन था जिसने मिडवेल स्टील वर्क्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन किया था और उसकी डेजिग्नेशन क्या थी, वो एक मकैनिस्ट था। ही कंडक्ट्स हिज एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड सम साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग मैनेजमेंट। सो जब वो वर्क कर रहा था, जब वो मकैनिक था, तब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ये फाइंड आउट करने के लिए कि अगर हम अपने बिजनेस को साइंटिफिक वे से मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। साइंटिफिक वे से मैनेज करना मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग। सो जब हम अपने डिसीजंस में साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं या फिर साइंटिफिक अप्रोचेस की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, तो उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस को स्टडी किया था तो उसमें ये फीचर था कि साइंस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो अगर हम अपने बिजनेस को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर मैनेज करेंगे तो उसको हम कहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशन का मतलब है कि अगर हम ये करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। सो उसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। F.W. Taylor की अपनी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, F.W. Taylor ने अपनी लैंग्वेज में साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। उसने कहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट्स इन नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप क्या चाहते हो अपने वर्कर्स से कि वो आपको क्या करके दें, एंड सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। और जब आपने बता दिया अपने वर्कर्स को कि क्या करना है, तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको देखें कि क्या वो उन्होंने बेस्ट वे से किया है और चीपेस्ट मैनर में किया है। बेस्ट वे का मतलब सबसे बेस्ट टेक्निक से किया है और चीपेस्ट वे का मतलब सबसे सस्ते वे में किया है। सस्ते का मतलब ये नहीं है कि लो क्वालिटी, सस्ते का मतलब ये है कि बेस्ट क्वालिटी विद चीप रेट्स। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का यही मतलब है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग। जब हमने कोई भी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है और उस डिसीजन में हम क्लासिक कॉन्सेप्ट की बजाय मैनेजीरियल कॉन्सेप्ट या फिर साइंटिफिक अप्रोच को यूज करें तो उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। सो आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है, F.W. Taylor's के अपने वर्ड्स में ये प्रोवाइड की गई है। सो इसके आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सो आई होप अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए वो थोड़े क्लासिक कॉन्सेप्ट के थे, लेकिन जो टेलर ने प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस्ड ऊपर हैं, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हैं और ये साइंटिफिक वे से हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जा सकता है।
अगर हम ये करें तो इसका नतीजा ये आएगा। सो ये था हमारा मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो जैसा कि मैंने बताया कि एफ डब्ल्यू टेलर ने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए और उसके बेसिस के ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट की खोज की, इन्वेंशन की। सो उसके बेसिस के ऊपर उसने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए तो हमारा बिजनेस परफेक्टली मैनेज होगा। सो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर फॉर्म्ड टू मैनेज बिजनेस साइंटिफिकली। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो बिजनेस को साइंटिफिक वे से मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं और उनको यूज भी किया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सो इसमें एफ डब्ल्यू टेलर क्या कहता है कि किसी भी एक काम को करने के लिए उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे वेज हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं। सो एफ डब्ल्यू टेलर यही कहता है कि एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। और इन सभी वेज में से कोई एक ऐसा वे होगा जो बेस्ट होगा। ये डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसके प्रोडक्ट के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा। अगर वो टीवी से एडवर्टीजमेंट करती हैं तब उसकी सेल्स ज़्यादा होगी, या फिर वो मैगजीन में एडवर्टीजमेंट करती हैं तब उसकी सेल्स ज़्यादा होगी। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए बेस्ट वे कौन सा है। किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैगजीन बेस्ट हो सकती है, लेकिन कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए टीवी एडवर्टीजमेंट बेस्ट हो सकती है। सो एफ डब्ल्यू टेलर अपने फर्स्ट प्रिंसिपल में यही कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें वो कहता है कि एक चीज को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट मेथड ही चूज करना चाहिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वो इसलिए कहता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा? कि वो पहले मेथड को अप्लाई करके देखे, अगर उसमें से रिजल्ट नहीं आता फिर उसको छोड़ दे, फिर सेकंड मेथड चूज करे, उसको अप्लाई करके देखे, अगर उसमें से रिजल्ट नहीं आता फिर उसको भी छोड़ दे, फिर थर्ड को अप्लाई करे, अच्छा थर्ड में रिजल्ट बढ़िया आ गया तो ठीक है। सो ये रिसोर्सेज की वेस्टेज हो गई। इसीलिए एफ डब्ल्यू टेलर कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि अगर एक तरीके को करने के बहुत सारे वेज हैं तो उन सभी तरीकों को यूज ना करें, जो उनमें से बेस्ट है उसको डायरेक्टली चूज करें। अगर आप एक एक को चूज करके अप्लाई करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारी वेस्टेज होगी। सो इसलिए एफ डब्ल्यू टेलर कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का बस इस सेंटेंस का मतलब है ट्राई करके देखना। सो अगर आप सिर्फ ट्राई करके देखेंगे तो वेस्टेज बहुत सारी होगी और आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। सो यही आपको इंग्लिश में लिखना है, आपको इतना लिखना है कि एफ डब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब का मतलब कि अपने डिफरेंट डिफरेंट वेज को ट्राई करके देखना और अगर रिजल्ट ना आए तो नेक्स्ट पर चले जाना। एफ डब्ल्यू टेलर ये कहता है कि हमें सभी तरीकों को अप्लाई करके नहीं देखना चाहिए, उसमें से जो बेस्ट है हम डायरेक्टली उसको चूज करें और उसमें अपने आंसर्स को फाइंड आउट करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। सो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो हार्मनी का डिक्शनरी मीनिंग और डिस्कॉर्ड का डिक्शनरी मीनिंग आपको पता लग जाएगा, लेकिन इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट,
एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो मिडिल लेवल मैनेजर में मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी ओनर्स। सो जब हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट किया था तब हमें पता चल गया था कि मैनेजर्स एक लिंक है बिटवीन दी ओनर्स एंड वर्कर्स। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल F.W. टेलर ने इसलिए इन्वेंट किया क्योंकि ये उसने एक्सपीरियंस किया था कि मैनेजर और वर्कर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात के? मैनेजर्स ऑलवेज यही सोचते हैं कि वर्कर्स काम करने के लिए रेडी नहीं हैं, वो हार्डवर्क नहीं करते, वो हमेशा लेजी ही रहते हैं, और वर्कर्स मैनेजर के बारे में ये सोचते हैं कि मैनेजर्स हमेशा हमसे काम करवाने के मकसद से ही आते हैं, वो हमारे सोशल वर्क के बारे में नहीं सोचते, वो हमारे बारे में नहीं सोचते, वो गुड हैं सिर्फ ऑर्डर देने में। सो ये इन दोनों की थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। मैनेजर वर्कर्स के बारे में सोचते हैं कि ये लेजी हैं, और वर्कर्स मैनेजर्स के बारे में सोचते हैं कि ये सिर्फ ऑर्डर देने के लिए बेस्ट हैं और इनको कोई काम नहीं। सो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और दोनों का काम रुक जाता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता। सो इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए F.W. टेलर ने ये प्रिंसिपल बनाया, हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। हार्मनी मतलब दोनों में ही मिलजुल के काम करने की भावना होनी चाहिए, दोनों में कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव ना हो पाए। सो इसका सॉल्यूशन F.W. टेलर ने क्या प्रोवाइड किया कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से कुछ पार्ट वर्कर्स के लिए भी होना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ हमारा फ्यूचर सेफ है और हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें कुछ इनकम मिलेगी, हमें कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे जिससे वो मोटिवेट होते हैं और वो हार्ड वर्क करते हैं। ऐसे ही F.W. टेलर ने यह भी कहा कि वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए। मैनेजर्स हमेशा यही सोचते हैं कि वो सिर्फ लेजी रहते हैं, लेकिन वर्कर्स को हार्ड वर्क करना चाहिए और मैनेजर्स को जो अर्निंग्स हुई हैं उसमें से पार्ट देना चाहिए। सो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज नहीं होगा। सो प्रॉब्लम क्या थी मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, और सॉल्यूशन F.W. टेलर ने क्या प्रोवाइड किया? अर्निंग्स एंड हार्ड वर्क। वर्कर्स को अर्निंग्स का कुछ पार्ट दिया जाए और वर्कर्स अपना हार्ड वर्क करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें जिससे कि हमारा प्रिंसिपल फुलफिल हो जाएगा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब दोनों में कुछ एग्रीमेंट हो, दोनों में मिलजुल के काम करने की भावना हो, दोनों में डिसएग्रीमेंट ना हो, दोनों एक दूसरे की बात को काटे ना, वो दोनों से डिसएग्री ना करें। मैनेजर कहे कि नहीं काम ऐसे करना है और वर्कर कहे नहीं मैं तो ऐसे करूँगा, तो इसकी वजह से नुकसान तीनों का होगा। सो इसीलिए ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे इस प्रिंसिपल में हमने अंडरस्टैंड किया कि वर्कर्स और मैनेजर्स में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, जैसा कहा जाए वैसा करें, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब कोई मैनेजर है वो अपने आप में सेल्फिश है, मतलब अपने आप को बताना चाहता है कि हाँ मेरी वजह से ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और अगर मैं नहीं होऊंगा तो बिजनेस नहीं चल सकता। सो इस चीज़ को जो है वो रिप्लेस करना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब है एक दूसरे की बात को समझना चाहिए और उसी की तरह चलना भी चाहिए। मैनेजर और वर्कर्स दोनों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैनेजर्स के बिना बिजनेस को मैनेज नहीं किया जा सकता और वर्कर्स के बिना बिजनेस को रन नहीं किया जा सकता। सो इसीलिए कोऑपरेशन होनी चाहिए दोनों में, दोनों को ये समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसका सॉल्यूशन क्या F.W. ने प्रोवाइड किया? सिंपल है,
वर्कर्स अगर कोई सुजेशंस प्रोवाइड करते हैं तो मैनेजर्स को वो सुजेशन सुननी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक वर्कर मेरे को सुजेशन दे रहा है, क्योंकि कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो कि वर्कर्स की सजेशन नहीं रिसीव करते, नहीं रिसीव करना चाहते, क्योंकि वो अपने आप में समझते हैं कि मैं कैपेबल हूँ। सो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, दोनों में कोऑपरेशन होनी चाहिए। अगर वर्कर्स के पास कोई सजेशंस है कि कुछ काम ऐसे किया जा सकता है, तो मैनेजर्स को उसको रिसीव करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स को भी स्ट्राइक पर कम से कम जाना चाहिए। ये नहीं है कि वो हर टाइम मैनेजर्स को ये धमकी देते रहें कि हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे अगर आपने ये ऐसा नहीं किया। सो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों को कोऑपरेट होकर ही काम करना चाहिए। ये थर्ड प्रिंसिपल हमें सिखाता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका एक सॉल्यूशन और जो FW ने प्रोवाइड किया है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच का जो गैप है उसको कम कर सकती है। सो इसलिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमें करना चाहिए, वर्कर्स को मैनेजर्स के साथ और मैनेजर्स को वर्कर्स के साथ हर बात पर कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल जो FW टेलर ने प्रोवाइड किया वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो इसमें FW टेलर ने कहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी लेबर है, वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंडिविजुअल की, ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी डेवलप्ड टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जितनी डेवलपमेंट उनमें की जा सकती है, जितनी उनमें एफिशिएंसी लेके आई जा सकती है, उतनी उनमें एफिशिएंसी हमें लेके आनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे हम लेके आ सकते हैं? उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, उनकी डेवलपमेंट की जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर उनकी डेवलपमेंट की जाए, ताकि वो अपना बेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सके। सो फोर्थ प्रिंसिपल में FW टेलर यही कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो लेबर के तौर पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि उनके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए जितनी उनमें डेवलपमेंट की जाए उतनी ही बढ़िया होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए वो कहता है कि जब हमने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने से पहले हमें ऐसा एम्प्लॉय सिलेक्ट करना चाहिए जो हर एक कसौटी में पार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें उसकी मेंटल एबिलिटी चेक करनी चाहिए, उसकी इंटेलिजेंसी चेक करनी चाहिए, उसका IQ चेक करना चाहिए, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को चेक करना चाहिए, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को चेक करना चाहिए, और सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऐसी देनी चाहिए कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट वर्क कर सकें। सो इसीलिए, क्योंकि इम्प्लॉयज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, इसीलिए ये फोर्थ पॉइंट में FW टेलर ने फाइंड आउट किया है, और उसने ये बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रिंसिपल बनाया है, क्योंकि उसने ये ऑब्जर्व किया था कि हम इम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, इम्प्लॉयज़ को हम सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस के लिए उतना बेस्ट नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए। सो जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उसको फुल यूटिलाइज करने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देनी चाहिए। सो प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निक्स। सो FW टेलर ने कुछ ऐसी टेक्निक्स भी प्रोवाइड की हैं जिसको यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को साइंटिफिक वे से मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक। सो हमें पता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल में हमारे पास वर्कर्स आते हैं, और उन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक पर्सन होता है जिसको हम फोरमैन कहते हैं। मतलब वर्कर्स में से भी एक टॉप लेवल का वर्कर होगा जिसको हम फोरमैन कहेंगे, और वो पूरे वर्कर्स को मैनेज करेगा,
उनको बताएगा कि काम कैसे करना है, किस प्रोसीजर में करना है, कौन सा रॉ मटेरियल कैसे यूज़ किया जाएगा, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी। सो FW टेलर ने क्या कहा कि अगर आप चाहते हैं कि टॉप लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल तक हर एक काम परफेक्ट हो, तो लोअर लेवल में भी फोरमैनशिप बनानी चाहिए जिसको फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सके। सो उसने क्या कहा कि आप अपने लोअर लेवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट होगा प्लानिंग इंचार्ज और सेकंड होगा प्रोडक्शन इंचार्ज, मतलब अपने फोरमैनशिप को, जिसको हम फोरमैन कहते हैं, जो कि लोअर लेवल में से टॉप, जिसको हम बॉस कह सकते हैं वर्कर्स का, वो होगा, उसके फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा प्लानिंग इंचार्ज का, ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ प्लानिंग करेगा कि हर एक काम कैसे किया जाए, और दूसरा वो होगा प्रोडक्शन इंचार्ज, जो ये देखेगा कि प्रोडक्शन कैसे की जाए। इसमें भी फर्दर हमें कुछ डिवाइड करने को कहा गया है। सो ये एक तरह की टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेस को साइंटिफिक वे से मैनेज कर सकते हैं। सो प्लानिंग इंचार्ज में फर्स्ट हमारे पास आएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होगा कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा कि कौन सा काम कैसे किया जाए। उसके नीचे जितने भी वर्कर्स होंगे वो सभी को इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये काम आपने ऐसे करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सेकंड हमारे पास है रूट क्लर्क। सो नेम से ही पता चल रहा है, रूट क्लर्क का मतलब जो आपको रूट डिफाइन करेगा कि सबसे पहले मशीन ए में प्रोसेसिंग की जाएगी, फिर सेकंड मशीन में प्रोसेसिंग होगी, फिर थर्ड में प्रोसेसिंग होगी, और उनको डिफाइन भी करेगा कि फर्स्ट मशीन में आपने क्या करना है, सेकंड में आपने क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, और थर्ड में अगर फिनिश हो गई तो वो फिनिश्ड गुड्स को आपको कहाँ पर पहुँचाना है। सो फर्स्ट हमारे पास था, वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि क्या क्या काम किस किस वर्कर को कैसे कैसे करना है। रूट क्लर्क एक रूट डिफाइन करेगा कि पहले कौन सी मशीन से कितनी देर कोई रॉ मटेरियल प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस होने के बाद कौन सी मशीन में जाएगा, और अगर वो फिनिश प्रोडक्ट हो चुका है तब उसका क्या किया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। सो नेम से ही पता चल रहा है, ये वर्कर का काम होगा टाइम मैनेज करना और कॉस्ट को मैनेज करना। टाइम मैनेज में वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि एक प्रोडक्ट को बनने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट्स लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है, या कितने लग रहे हैं, ताकि वो अपने 8 आवर्स की प्रोडक्शन को डिफाइन कर सके कि अगर 1 मिनट में एक प्रोडक्ट बन जाता है तो 8 आवर्स की वर्किंग में एट द एंड, एक दिन के 8 घंटे काम करने के बाद एंड में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और अगर वो स्लो हो जाती है, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाती, तो उसके लिए वही आंसरेबल होगा, वही रीज़न प्रोवाइड करेगा, वही बताएगा कि मशीनरी ख़राब हुई, मशीनरी ब्रेकडाउन होगी, या मशीन रुक गई, या क्या क्या हुआ। ऐसे ही वो कॉस्ट के बारे में भी प्रोवाइड करेगा कि कितनी कॉस्ट लग रही है, पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, और अगर ये कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसके बारे में भी वही डिफाइन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम क्या होगा, वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ये सभी वर्क्स जो कर रहे हैं उन सभी को वो डिसिप्लिन प्रोवाइड करेगा, मतलब चेक करेगा कि क्या सभी काम एज इट इज किए जा रहे हैं जैसे डिफाइन किया गया है। सो ये सब हमारे पास आ गया प्लानिंग इंचार्ज। ये वो इंचार्ज हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए प्लानिंग करेंगे, काम कैसे किया जाएगा, किस रूट में किया जाएगा, कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी, डिसिप्लिन इन सब का चेक करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पीड बॉस। सो नाम से ही पता चल रहा है स्पीड बॉस, वो अपने प्रोडक्शन की स्पीड को चेक करेगा कि स्पीड कितनी है प्रोडक्शन की, पर आर में कितनी प्रोडक्शन हो रही है।
नेक्स्ट हमारे पास है गैंग बॉस। सो ये नेम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गैंग बॉस का वर्क क्या होगा कि वो ये चेक करेगा कि जितनी भी मशीन्स या फिर टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए प्रोडक्शन होगी, क्या वो रेडी हैं, क्या उनमें कोई रिपेयर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्या वो रेडी हैं प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिपेयर बॉस। सो अगर रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो रिपेयर बॉस क्या करेगा, उन मशीन्स को या फिर टूल्स को रिपेयर करवाएगा। सो स्पीड बॉस का काम होता है कि चेक करना कि क्या काम ऑन टाइम अचीव हो जाएगा, जितना टारगेट दिया गया क्या वो अचीव हो जाएगा। गैंग बॉस का वर्क होता है मशीन और टूल्स को चेक करना कि क्या वो रेडी है प्रोडक्शन करने के लिए, और अगर वो रेडी नहीं है तो रिपेयर बॉस उसको मेंटेन करवाएगा, उनकी रिपेयर करवाएगा। और लास्ट में हमारे पास आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का वर्क क्या होता है कि जब प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्शन होने के बाद और प्रोडक्शन के बीच में वो इंस्पेक्ट करेगा कि क्या क्वालिटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और आफ्टर द प्रोडक्शन एक्यूरेट है या फिर नहीं। सो इंस्पेक्टर का वर्क यही होता है कि वो क्वालिटी चेक करता रहेगा कि क्या प्रोडक्ट सही बन रहे हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो यही टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेस को साइंटिफिक वे से मैनेज कर सकते हैं। सो फंक्शनल फोरमैनशिप में आपको इतना ही बताना है कि एक फोरमैन होता है जिसके वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक फोरमैन ही सारे वर्क्स को मैनेज नहीं कर सकता। जब हमने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स को पढ़ा था तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास था डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हमने कहा था कि वर्क्स को डिवाइड कर देना चाहिए एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ, ताकि वो पर्सन उसी काम में लगा रहे और वो उस काम का एक्सपर्ट हो जाए। सो इसमें भी वही रूल या वही प्रिंसिपल हम कह सकते हैं फॉलो हो रहा है। एक फोरमैन के काम को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हर एक पर्सन अपने वर्क में स्पेशलिस्ट हो जाए और उसके ऊपर कोई बर्डन ना रहे। सो इसी को हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन के वर्क को फंक्शंस में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो ये थी फर्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब जो भी वर्क एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टीवी मैन्युफैक्चरर्स कर रही है, तो उस टीवी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना और सिंप्लीफिकेशन लेके आना। मतलब अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वैरायटीज के टीवी मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई साइज़ में 20 है, कोई 24 है, कोई 32 है, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन लेके आना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कोई भी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे साइज तो मैन्युफैक्चर नहीं करती, मतलब एक टीवी हो गया 20.5 इंचेस का, सेकंड हो गया 20.6 इंचेस का, 20.7 इंचेस का, वो डायरेक्टली 24 का मैन्युफैक्चर करती है और 24 के बाद 32 ऐसे मैन्युफैक्चर नहीं करती, 24.1, 24.2 और फिर 24.3। सो इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन लेके आना, अपनी वैरायटीज़ को कम करना जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टीज हो। क्योंकि अगर ऐसी वैरायटीज़ आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। सो डिफरेंट साइजेस को, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को जिसकी मार्केट में डिमांड भी नहीं है, उसको मैन्युफैक्चर मत कीजिए, अपने वर्क में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन लेके आइए। सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी डाइवर्सिटीज़ को कम करना, अपने साइजेस को कम करना या फिर अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स को कम करना, ताकि अपने वर्क को, जितना भी काम आप कर रहे हो वो आप परफेक्ट कर सकें। सो एक टेक्निक ये हो गई। सेकंड हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना। स्टैंडर्डाइजेशन को हम कह सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर में, अपनी क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर में कुछ स्टैंडर्ड्स लेकर आना। मतलब ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करना जिसके लिए आप जाने जाते हैं। अगर सोनी कंपनी जो है, अगर वो बेस्ट टीवी मैन्युफैक्चर करती है और अगर वो अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके
कोई और प्रोडक्ट का आपको स्क्रीन प्रोवाइड कर दे तो आपको वो बढ़िया नहीं लगेगा। सो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं और साइंटिफिक वे से अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको अपने वर्क में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन लेके आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिमांड कोई भी कस्टमर नहीं करता। एक एक इंचीज़ का इंक्रीज़ कोई भी नहीं मांगता, या तो वो 20 परचेज करेंगे या फिर 24। सो डिफरेंट वैराइटीज़ और साइजेस को थोड़ा कम कीजिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। और सेकंड टेक्निक क्या है कि आप अपनी क्वालिटी में स्टैंडर्डाइजेशन लेके आइए। बेस्ट क्वालिटी जिसके लिए आप जाने जाते हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कीजिए ताकि कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी भी एक टेक्निक है जो FW टेलर ने प्रोवाइड की है अपने बिजनेस को साइंटिफिक वे से मैनेज करने के लिए। अब मेथड स्टडी नियम से ही पता चल रहा है कि जो भी चीज़ हमें करनी है उसके मेथड को सबसे पहले हमें स्टडी करना चाहिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बताया था, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि FW टेलर ने कहा था कि हर एक चीज़ को करने का एक अपना बेस्ट मेथड होता है और हमें वही मेथड चूज करना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चूज करना चाहिए। मतलब एक बार करके देखिए इस मेथड को, अगर ठीक लगा तो चलेंगे, नहीं तो इसको कैंसिल करके दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। वही प्रिंसिपल इस टेक्निक में फॉलो किया जा रहा है। ये टेक्निक हमें कहती है कि हर एक चीज़ को करने का एक अपना बेस्ट मेथड होता है, उस मेथड को हमें अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए और स्टडी करने के बाद, सभी मेथड को स्टडी करने के बाद, उसके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब ऐसा मेथड जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें उसी को चूज़ करना चाहिए। सो मेथड स्टडी हमें यही कहती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को करने का एक बेस्ट मेथड होता है और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, और उन ऑल्टरनेटिव्स में से हमें एक बेस्ट मेथड चूज़ करना पड़ता है अगर हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं। सो रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर अपनी गुड्स को मार्केट में सेल करने तक बहुत सारे हमें काम करने होते हैं, और हर एक काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, और हर एक ऑल्टरनेटिव में से कोई एक मेथड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा होता है जो उसके लिए बेस्ट होता है। सो उसी बेस्ट को हमें सिलेक्ट करना है, ये हमें मेथड स्टडी कहती है। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, और स्टडी का मतलब होता है कि एग्जामिन करना या फिर स्टडी करना। सो हम अपने मूवमेंट को स्टडी करना चाहिए। FW टेलर का कहता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए हमें बहुत सारी मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं, और उसने इन मूवमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट उसने कहा है ऐसी मूवमेंट्स जो प्रोडक्टिव नेचर की हैं, ऐसी मूवमेंट्स जो इंसिडेंटल हैं, और लास्ट ऐसी मूवमेंट्स जो अनप्रोडक्टिव हैं। सो उसने पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मूवमेंट्स को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब है ऐसी मूवमेंट्स जो करनी ही पड़ेंगी अगर हमें अपनी प्रोडक्शन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मूवमेंट्स ऐसी हैं जो कि डिपेंड करता है कि अगर कोई रॉ मटेरियल या फिर कोई टूल एक वर्कर के पास नहीं है तो उसको विजिट करना पड़ेगा स्टोर के लिए। सो अपना काम छोड़कर स्टोर पर जाना, ये मूवमेंट इंसिडेंटल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्या वो टूल उसके पास अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर वो टूल उसके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको ये मूवमेंट करनी ही पड़ेगी अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट हमारे पास है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट्स जिनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्कर को बिना किसी काम के झुकना पड़ जाए या उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज करना पड़ जाए तो ऐसी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है।
क्योंकि ये बिजनेस की प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रही। सो FW टेलर यही कहता है कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी मूवमेंट्स को हमें स्टॉप करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। सेकंड, इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसने कहा है कि इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी मूवमेंट्स को हम कम ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वर्कर को स्टोर पर जाना पड़ जाए तो क्यों ना वो स्टोर की लोकेशन ऐसी हो जिसमें मूवमेंट कम हो। सो मूवमेंट तो ये होगी ही, लेकिन इसकी मूवमेंट की टाइम को हम कम कर सकते हैं। और फर्स्ट हमारे पास है प्रोडक्टिव नेचर की मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट को हम स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। सो टेलर ने अपनी स्टॉप वॉच को यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए उसने ये फाइंड आउट किया कि कौन कौन सी एक्टिविटी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा परफॉर्म होती हैं। उसी को यूज़ करते हुए उसने ये तीन जो मूवमेंट्स हैं डिफाइन की और इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया और ये बताया कि कौन सी मूवमेंट को हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम स्टडी। ये सभी टेक्निक्स हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनल पेपर्स में आपको 2 या फिर 3 मार्क्स की पूछी जा सकती हैं कि FW टेलर ने इस स्टडी में क्या आपको बताया और उसका क्या रिजल्ट निकला। सो टाइम स्टडी में हम देख लेते हैं। सो टाइम स्टडी में FW टेलर ने ये स्टडी किया कि ऑन एन एवरेज एक वर्कर को अगर कोई काम दिया जाए और वो वर्क कितनी देर में कंप्लीट करता है। सो टाइम स्टडी हमें नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम टाइम की स्टडी करेंगे कि अगर हम किसी वर्कर को कोई काम, कोई वर्क अपॉइंट करते हैं तो वो वर्क कितनी देर में कंप्लीट होता है। टाइम की स्टडी को करने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ किए और उसकी हेल्प से उसने ये फाइंड आउट किया कि एक एवरेज वर्कर जो कि ना ही बहुत एफिशिएंट है और वो वर्कर जो ना ही बहुत लो है, मतलब एवरेज वर्कर, वो कितनी देर में अपने काम को फिनिश करता है। स्टडी करने का उसका मेन रीजन यही था कि ये पता लगाया जा सके कि वर्कर कितना एफिशिएंट है और कितना एफिशिएंट नहीं है। जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम खत्म कर देता है वो एफिशिएंट होगा, मतलब वो पहले काम खत्म कर रहा है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो जल्दी काम कर सकता है, और जो बाद में करता है इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। अगर आपको टाइम स्टडी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें यही बताएंगे कि FW टेलर जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफाइन किए, ये उसकी एक टेक्निक है जिसमें FW टेलर ये फाइंड आउट करता है या फाइंड आउट करना चाहता है कि एक जॉब को फिनिश करने के लिए ऑन एन एवरेज एक एवरेज वर्कर कितनी देर में उस जॉब को ख़त्म करता है, उसका फिनिश टाइम क्या है, और वो इसको इसलिए करता है ताकि वो दो वर्कर्स में डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निक फटीग स्टडी। सो फटीग का मतलब थकावट होता है। सो FW टेलर ने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो काम करता था उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स जो हैं वो काम करते हुए थक जाते हैं। सो उनकी थकावट को दूर करने के लिए हमें उनको कुछ रेस्ट देनी चाहिए। सो इसी को हम फटीग स्टडी कहते हैं। FW टेलर ने ये ऑब्जर्व किया, ये स्टडी किया कि वर्कर्स को फटीग होती है, उनको थकावट हो जाती है, और उस थकावट को दूर करने के लिए हमें उनको रेस्ट देनी चाहिए। सिर्फ थकावट को दूर करने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज़ करने के लिए भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है वर्कर्स को। सो फटीग स्टडी में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि FW टेलर ने ये ऑब्जर्व किया कि फटीग वर्कर्स को होती है अगर उनको रेस्ट ना मिले। सो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए रॉन्ग प्रोडक्शन ना हो और वर्कर्स एफिशिएंटली परफॉर्म करते रहें, उनको रेस्ट देनी चाहिए। फटीग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो FW टेलर ने बताए। सो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वर्कर्स से काम लेते रहना। सेकंड उसने कहा अनसुटेबल वर्क कंडीशंस।
मतलब वर्क कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं हैं। प्रेशर मतलब जॉब का प्रेशर, वर्कर्स का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर जिसकी वजह से वो फटीक महसूस करते हैं। लास्ट हमारे पास टेक्निक है, अगर हम बिज़नेस को साइंटिफिक वे से मैनेज करना चाहते हैं तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम हमें ये कहता है कि हमें अपने वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट वेजेस पे करनी चाहिए। मतलब वो वर्कर जो एफिशिएंट है उसको हमें ज़्यादा पेमेंट करनी चाहिए, और जो एफिशिएंट नहीं है उसको पेमेंट जो है वो थोड़ी कम करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि जो अनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो एफिशिएंट नहीं हैं, वो एफिशिएंट वर्कर्स को देखें, महसूस करें कि उनको पेमेंट ज़्यादा मिल रही है, और वो भी एफिशिएंट वर्कर्स की तरह ज़्यादा काम करना शुरू करें, जिससे कि मैनेजमेंट को बेनिफिट होगा। सो डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम हमें ये कहता है कि जिस वर्कर ने जितने पीसेस मैन्युफैक्चर किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेमेंट की जानी चाहिए। सो जिस वर्कर ने ज़्यादा प्रोडक्शन की है उसको ज़्यादा पेमेंट की जाएगी, मतलब वो एफिशिएंट है, और जिस वर्कर ने कम प्रोडक्शन की है तो उसको ऑब्वियसली पेमेंट कम होगी। इसकी वजह से जो अनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो भी महसूस करेंगे और अपनी प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करेंगे, और जिसका बेनिफिट बिजनेस को ही होगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जो वर्कर्स जिनको कम पेमेंट मिल रही है वो डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, वो काम को छोड़कर भी जा सकते हैं, उनको ये लग सकता है कि हमसे भेदभाव किया जा रहा है। सो उस डिसएडवांटेज को इग्नोर करते हुए अगर हम देखें तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है साइंटिफिक वे से मैनेज करने के लिए। सो ये था हमारे पास टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी की, और उन टेक्निक्स में FW टेलर ने क्या स्टडी किया उसको भी फाइंड आउट किया। लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंस कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हमने हेनरी फ्यूल के पढ़े और जो प्रिंसिपल्स हमने अभी FW टेलर के पढ़े, उन दोनों ही प्रिंसिपल्स का बेनिफिट क्या होता है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी बुक में प्रिंसिपल्स के बेनिफिट आपको पहले बताए हुए हैं, लेकिन आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि प्रिंसिपल्स है क्या। अगर प्रिंसिपल्स पता होंगे तभी आपको उसकी महत्वता के बारे में पता लगेगा, तभी आपको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगेगा। सो अब हमें पता चल चुका है कि हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, और वो 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। अब हमें ये भी पता है कि FW टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए जिसको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सो अब दोनों का मीनिंग हमें पता है, दोनों के बारे में डिटेल्स पता है, तो अब हम इनकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि दोनों ही प्रिंसिपल्स एक बिजनेस के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सो ये है हमारे पास सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस, मतलब कि ये प्रिंसिपल्स जो हमने स्टडी किए वो कितने इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इम्पोर्टेंसेस जो आपके पास हैं उनको लर्न करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये प्रिंसिपल्स आप अपने बिजनेस में फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या लॉस होगा, आपका क्या नुकसान होगा। अगर आपको वो नुकसान के बारे में पता लग जाएगा तो आपके प्रिंसिपल्स, आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट हमारे पास है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को रियलिटी के बारे में प्रोवाइड करती हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, रियल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक मैनेजर सीख जाता है कि बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करना सीख जाता है कि प्रीवियस ईयर में उसने क्या मिस्टेक्स की थी। सो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक मैनेजर को रियलिटी के बारे में एक्सप्लेन करती हैं कि रियलिटी ये है, आपको इसको स्वीकार करना होगा। सो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक मैनेजर्स अपनी मिस्टेक नहीं करता जो उसने प्रीवियस ईयर की होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
सो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनका बेस्ट यूज़ किया जाता है, उनकी वेस्टेज जो है वो बहुत कम होती है. सो ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूसेज, मतलब बेस्ट वे से हमें उसको यूज़ किया जाता है. और इफ़ेक्टिव का मतलब है विद इन अ टाइम विद लीस्ट वेस्टेज हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. सो अगर प्रिंसिपल्स ना हों तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएं. फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क हमें कहता है कि हमें वर्क डिवाइड करके करना चाहिए ताकि वो एक स्पेशलिस्ट पर्सन ही उसको परफॉर्म करे. लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो ही ना करें, किसी अनजान उस व्यक्ति को काम दे दें जिसने कभी ये काम किया ही ना हो, तो वो तो हमारे पूरे रिसोर्सेज वेस्ट कर देगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये काम कैसे करते हैं. सो इसीलिए अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, उनका बेस्ट यूटिलाइज होगा और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव वे से रन करेगी. नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक डिसीजन. सो अभी हमने सीखा कि कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को साइंटिफिक वे से ले सकते हैं. साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब है कोज एंड इफेक्टिव डिसीजंस, कि अगर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा. सो अगर हम उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, हम उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे जो FW टेलर ने प्रोवाइड किए हैं, तो हमारा डिसीजन साइंटिफिक वे से लिया हुआ डिसीजन माना जाएगा. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स की, कि अगर हम प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं तो हमारा जो डिसीज़न है वो बेस्ट होगा, उसमें हमें पता होगा कि हमारा ये डिसीज़न लेने का कारण क्या है और ये डिसीज़न लेने से हमारा रिजल्ट क्या आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना होता है. नेक्स्ट चैप्टर हमारा फुल इसी के ऊपर बेस्ड है, बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और बिजनेस इन्वायरमेंट अगर चेंज हो जाता है तो बिजनेस को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है और उन चेंजेस को फॉलो करने के लिए प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इसमें हमें सिर्फ इतना ही पता करना है कि कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस को चेंज करने के लिए इफेक्ट करते हैं और उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, उन चेंजेस को फॉलो करने के लिए प्रिंसिपल्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें फॉलो करना ही चाहिए, जिसे हमें फुलफिल करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. सो उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए प्रिंसिपल्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रिंसिपल किया था इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब है कि वर्कर्स जो लोअर लेवल पर हैं, अगर उनके पास कुछ सजेशंस हैं तो वो सजेशंस टॉप लेवल मैनेजमेंट तक इनिशिएट होने चाहिए, उनको बताना चाहिए. सो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो अपने इंप्लॉयज को इग्नोर ना करें. सेकेंड हमने ये भी स्टडी किया था टर्नओवर ऑफ इम्प्लॉई, मतलब अपने इम्प्लॉयज़ की टर्नओवर कम होनी चाहिए, अपने इम्प्लॉयज़ को मोटिवेट इतना कर देना चाहिए कि वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए. सो ये भी एक प्रिंसिपल था जिसको हमने स्टडी किया था. सो प्रिंसिपल ही हमें कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी. सो इसीलिए वो प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. ये जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं ये मैनेजर्स को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए. मैनेजर्स को मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको रिसर्च करने में हेल्प करते हैं कि आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. सो क्योंकि ये प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम बिजनेस को मैनेज कर सकें, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यही प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को ट्रेनिंग देते हैं कि आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और उनकी रिसर्च में हेल्प करते हैं. सो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंस. इनके अलावा आप अपने तरफ से भी कुछ इम्पोर्टेंसेस बना सकते हैं जो आपके माइंड में आते हैं. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.